ज्ञान और पाठ्यक्रम में इससे पहले हम ज्ञान के स्रोत पढ़ रहे थे, जो हमने समाज, संस्कृति, विद्यालय और एक तरह से आधुनिकता के संदर्भ में सभी तरह से हमने ज्ञान के स्रोतों को पढ़ लिया है। और हमारी पहली यूनिट ज्ञान से संबंधित जो इसमें दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार, पहली यूनिट इसमें पूरी हो गई है। अब हम पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। इससे आगे तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। जो सामान्य रूप से हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे सिलेबस है, वही हमारा पाठ्यक्रम है। किसी भी कक्षा में या उस कक्षा के स्तर के निर्धारण के साथ ही पाठ्यक्रम का भी निर्धारण हो जाता है। जिस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए वह उस स्तर के परिणाम में या परीक्षा में, परख में उत्तीर्ण समझा जाता है, माना जाता है या निर्धारित कर दिया जाता है, तो उसके लिए किसी न किसी तरह का एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। यह हम बात करें कि जैसे पाठ्यक्रम के निर्धारण से पहले ही शिक्षा के उद्देश्यों का भी निर्धारण होता है कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बालकों को तैयार कर रहे हैं। तो बालकों को हम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम किस तरह के कार्यक्रम को या किस तरह की व्यवस्था को तैयार करें या किस व्यवस्था के माध्यम से हम हमारे उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तो उस व्यवस्था की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। जैसे जो हमारा, हम इसमें अधिगम भी काफी बार पढ़ते आ रहे हैं कि अधिगम से अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। अधिगम मतलब सीखना, सीखने के साथ इसका और जो अर्थ लिया जाता है वो क्या होता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से जो व्यवहारगत परिवर्तन हम चाहते हैं, यानी जो बालकों के व्यवहारिक परिवर्तन की हमने अपेक्षा की है, तो उस अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के लिए, अर्थात कहे बालकों को सिखाने के लिए, उनको अधिगम करवाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति या कहें पूर्ति संभव हो पाती है। उसी दृष्टि से जैसे, हालांकि जो समाज में पाठ्यक्रम का जो अर्थ चला आ रहा है उसमें भी अब व्यापकता आई है, पहले पाठ्यक्रम से अर्थ एक तरह से कक्षा में सिलेबस के माध्यम से जो अध्ययन किया जा रहा है उसी से लिया जाता है, लेकिन अब यहाँ इसका अर्थ भी कुछ विस्तृत हुआ है। इन चीज़ों को भी मैं अलग अलग बाद में और समझाऊंगी, अभी केवल मुख्य रूप से ही मैं बता रही हूँ कि जो पाठ्यक्रम है एक व्यापकता के रूप में अर्थ लिया गया है। पाठ्यक्रम में विद्यालय में होने वाली क्रियाएं हैं, कक्षा में होने वाली क्रियाएं हैं, या एक तरह से कहें उसके साथ चलने वाली सहगामी क्रियाएं हैं, उन सभी को एक तरह से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से पाठ्यक्रम को परिभाषित भी किया है। आज समाज में जो पाठ्यक्रम का जो रूप है वो विकसित हुआ है, उसके ज्ञान में जो वृद्धि हुई है, परिवर्तन हुई है, कई तरह के जो परिवर्तन भी हुए हैं, तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम का अर्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। आज जो पाठ्यक्रम है, हम इस पाठ्यक्रम की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के, जैसे हम तो सिलेबस ही याद करते हैं, अब तक जो हम पढ़ते आए हैं सिलेबस ही पढ़ते आए हैं, इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बताया कि हम इसके माध्यम से अधिगम करना सीखते हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बालकों में चाहने वाले, तो उनकी पूर्ति भी पाठ्यक्रम के माध्यम से पूर्ण होती है। उसी दृष्टि से जो पाठ्यक्रम का विशेष अर्थ लिया गया है वो अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से पाठ्यक्रम का अर्थ लिया गया है। जो अंग्रेजी भाषा है उसका शब्द है अंग्रेजी का करिकुलम, करिकुलम शब्द है।
इस करिकुलम शब्द की भी जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा की, जो लैटिन भाषा है इसके क्यूरे शब्द से हुई है। अंग्रेजी भाषा का है करिकुलम, अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण करिकुलम बताया गया है। और करिकुलम जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति क्यूरेरे शब्द से हुई है। इस क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए पाठ्यक्रम से अर्थ एक तरह से जो अभी मैं बताऊंगी, जो शाब्दिक अर्थ है उसको भी स्पष्ट करूंगी, इसके अनुसार पहले इसको समझ देते हैं। जो क्यूरेरे शब्द है वह क्या अर्थ देता है, दौड़ का मैदान। अब देखो अब हमें समझना क्या है कि हम जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, अर्थात पाठ्यक्रम क्या है, दौड़ का मैदान है। क्यों ऐसा कहा गया है, हालांकि पाठ्यक्रम के जो हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, जो इसका शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पाठ्य और क्रम है ना, तो पाठ्य प्लस क्रम इन दोनों शब्दों से ही बना है ये। पाठ्य से अर्थ जो पढ़ने योग्य है, पढ़ने योग्य, और क्रम क्या है, व्यवस्था। भाई किस क्रम से इसे पढ़ा जा रहा है, किस क्रम से पढ़ने योग्य जो व्यवस्था है वो क्या है, पाठ्यक्रम है। एक तरह से यही तो शाब्दिक अर्थ है कि जो हम पाठ्य वस्तु है, जो विषय वस्तु है उसे एक क्रम से, जैसे हमारे पाठ है पहला है दूसरा है, किसी न किसी क्रम से उनको निर्धारित किया गया है और उसी क्रम से हम उन्हें पढ़ते हुए आगे हमारे जो भी लक्ष्य हैं उद्देश्य हैं उनको पूरा करते हैं। तो एक तरह से पाठ्यक्रम का यह अर्थ तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ के रूप में यही लिया गया है। लेकिन हमारे शिक्षण में जो इसका महत्वपूर्ण व्यापक अर्थ लिया गया है अंग्रेजी भाषा के करिकुलम से, वहाँ इसका अर्थ लिया गया है दौड़ का मैदान। जैसे शिक्षाविदों ने स्पष्ट किया है कि एक धावक होता है जो दौड़ने वाला होता है, तो उसके भी दौड़ने से पहले उसके लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं कि उसकी प्राप्ति उसे क्या करनी है, उसे दौड़कर क्या करना है। तो उसके जो लक्ष्य हैं उद्देश्य हैं पहले से पूर्व निर्धारित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पाठ्यक्रम को भी विद्यार्थियों के दौड़ का मैदान ही बताया है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थी है उनके लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य भी पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। उसी क्रम में बालक अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन के माध्यम से इस पाठ्यक्रम यानी इस दौड़ के मैदान में जैसे दौड़ते हुए अर्थात सीखते हुए अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति करता है, जैसे कि एक धावक करता है। तो इसी दृष्टि से इसी आधार पर पाठ्यक्रम को करिकुलम से जोड़ते हुए उसके अर्थ को क्या बताया है, दौड़ का मैदान बताया है। और इस दौड़ के मैदान में अध्ययन के माध्यम से दौड़ते हुए बालक अपने लक्ष्यों को या अपनी विषय वस्तु की जो उसकी सीमाएं हैं या विषय वस्तु के लिए किस तरह से उन्हें उसे उनको जैसे बालकों को प्राप्त करना है, तो उस क्रम की व्यवस्था पहले से निर्धारित कर दी जाती है। जैसे हमने बात की है अपेक्षित, मैंने इससे पहले लिखा था अधिगम, उसके हमने लिखा है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बालकों में हम करना चाहते हैं, और ये अधिगम और व्यवहारगत परिवर्तन भी पहले से निर्धारित होते हैं। क्योंकि देखो एक बात हमें समझनी है इसमें, पाठ्यक्रम निर्धारण से पहले, हम ये नहीं कहते कि पाठ्यक्रम पहले निर्धारित हुआ है फिर उद्देश्य निर्धारित हुआ, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम बाद में निर्धारित होता है, जो हमारे लक्ष्य है उद्देश्य है वो पहले निर्धारित होते हैं। क्योंकि जब हमारा कुछ क्या उद्देश्य है यही हमें पता नहीं होगा तो कौन सा पाठ्यक्रम हम पढ़ेंगे। तो इस दृष्टि से बालक में किस तरह के उद्देश्य क्या करते हैं, एक तरह से बालक को किसी न किसी प्रकार का अधिगम करवाने के लिए प्रेरित करते हैं,
और उस अधिगम से उसमें कोई ना कोई व्यवहारिक परिवर्तन होता है, किसी न किसी प्रकार के ज्ञान को वह सीखता है। तो उसे सीखने के लिए किसी न किसी तरह के उद्देश्यों का निर्धारण हमने किया है कि बालकों को हमें क्या बनाना है या क्या उनको उसमें जैसे जिस शिक्षा को वो ले रहे हैं उसकी प्राप्ति से क्या फल या कहीं क्या लक्ष्य उनका पूरा हो रहा है, क्या परिणाम मिल रहा है। तो उस परिणाम या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि इस उद्देश्य को हमें पूरा करना है, इस परिणाम की प्राप्ति हमें होनी चाहिए बालकों को सब कुछ सिखाने के बाद, तो फिर उस परिणाम या उद्देश्य की पूर्ति हमें कैसे हो, इस क्रम के लिए, इस व्यवस्था के लिए एक विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है कि इन पाठों को या इन विषय वस्तु को या इस तरह के ज्ञान को बालकों तक संप्रेषित करने से जो हमारे शिक्षा के लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं या जो विद्यार्थी अपने शिक्षा के दौरान या अध्ययन के दौरान जिन्हें प्राप्त करना चाहता है उनकी पूर्ति किसके द्वारा संभव हो सकती है। तो उस पूर्ति की संभावना को पूर्ण करने के लिए हमने किसका निर्धारण किया है, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है। तो इस दृष्टि से लक्ष्य और उद्देश्य है उनके का निर्धारण पहले होता है, फिर उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। इसी आधार पर शिक्षाविदों ने जो इसका शाब्दिक अर्थ है उसके अलग हद का व्यापक अर्थ है, दौड़ का मैदान जिसकी उत्पत्ति करिकुलम शब्द के क्यूरेरे शब्द से बताई गई है, तो उसके आधार पर हम पाठ्यक्रम के अर्थ को दौड़ के मैदान से स्पष्ट करते हैं। इसी तरह से एक कन्निघम शिक्षाविद है, उन्होंने देखो जो पाठ्यक्रम के लिए एक तरह से जो बात बताई है या उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जो ये पाठ्यक्रम है तो यह पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक ऐसा साधन है, यानी किसी कलाकार के हाथ में हथौड़ा हो सकता है या कोई चित्रकार है तो कोई कलम हो सकती है या किसी भी तरह का कोई भी जो कलाकार है उसके हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है, यानी उसका जो साधन है वो उस साधन से क्या वस्तु तैयार कर रहा है कलाकार। इसी तरह से यहाँ कलाकार क्या हो गया, एक शिक्षक हो गया, शिक्षक के हाथ में भी विद्यार्थियों को तैयार करने का कार्य किसका होता है, शिक्षक का होता है कि भविष्य के लिए बालकों को किस तरह से हम तैयार करते हैं, किस तरह से उनका निर्माण करते हैं भविष्य में जीवन एक तरह से सफल जीवन जीने के लिए हम उनकी तैयारी करते हैं। तो इसी दृष्टि से ये कहा है कहीं हमने कि जो पाठ्यक्रम है एक तरह का एक साधन है या कलाकार के हाथ में वह साधन है अर्थात शिक्षक के हाथ का साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी सामग्री को अपने स्टूडियो में अपने आदर्शों के अनुसार वांछित रूप प्रदान करता है। यहाँ जैसे स्टूडियो की बात की है या उसके कलाकार है तो किस तरह का उसका जो कला ग्रह रहा होगा तो उसकी बात की है, तो यहाँ जो शिक्षक को कलाकार बताया है तो जो विद्यार्थी है वो तो उसके छात्र विद्यार्थी या छात्र उसकी क्या है, सामग्री है। यानी जैसे कलाकार है उसके पास भी कोई मान लो एक मूर्तिकार भी है, हम मूर्तिकार को लेकर चलते हैं तो वह एक मूर्ति की संरचना करता है, तो मूर्ति की संरचना करने के लिए उसकी अपनी कलाग्रह होता है, एक पत्थर की उसे आवश्यकता होती है, हथौड़े की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर वह जैसा वह चाहता है जो उसका उद्देश्य है, चाहने से अर्थ यानी जो उसने निर्धारित किया है जो उसका उद्देश्य है उसके आधार पर वह किस तरह की मूर्ति को तैयार करता है। तो इस तरह से यहाँ कहने में हमने शिक्षक को उसी कलाकार से उसी कलाकार से तुलना करते हुए बताया है कि देखो ये तो मैं बता देती हूँ, इससे हमारा जो अर्थ है वो स्पष्ट हो गया है पाठ्यक्रम का। जैसे ये पाठ्यक्रम है ना एक क्या है, एक साधन है, पाठ्यक्रम एक क्या है, साधन है ना, साधन से अर्थ जैसे हम कलाकार की बात कर रहे हैं मानो है ना, तो कलाकार के हाथ में ये क्या होगा, एक साधन है, थोड़ा भी हो सकता है, जैसे हम एक मूर्तिकार का उदाहरण लेकर चल रहे हैं तो एक साधन है, एक हथौड़ा है। अब इस हथौड़े या साधन के माध्यम से कलाकार कौन है, एक तरह से जैसे हम पाठ्यक्रम को भी साथ लेकर समझ रहे हैं तो पाठ्यक्रम को कौन उपयोग मिलेगा, शिक्षक, तो यहाँ कलाकार क्या हो गया, शिक्षक है। तो इस तरह से शिक्षक अपने साधन रूपी जो उसका पाठ्यक्रम है
उसके आधार पर अपने कला ग्रह में स्टूडियो में इस एक तरह से जो भी कला ग्रह हो सकता है जहाँ भी वो मूर्ति को बना रहा है, तो अपने कला ग्रह में या स्टूडियो में तो यहाँ ये जो स्टूडियो है वो कलाकार के लिए है, तो शिक्षक के लिए क्या हो गया? विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में कर रहा है, वह बालक को जो पाठ्यक्रम संप्रेषित कर रहा है उसकी विषय वस्तु जो समझा रहा है विद्यालय में समझा रहा है। तो अपने स्टूडियो में अपनी सामग्री को, जैसे कलाकार है उसके लिए तो क्या हो जाएगी? सामग्री। तो सामग्री क्या है? छात्र है। शिक्षक के लिए क्या हो जाएगा? छात्र। कलाकार के लिए सामग्री हो जाएगी, शिक्षक के लिए छात्र हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कलाकार अपने हथौड़े के माध्यम से अपनी सामग्री को अपने उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप प्रदान करता है। अपने उद्देश्य के अनुसार, अपना उद्देश्य क्या है? उसका लक्ष्य जो वह करना चाहता है। इसी तरह से जो शिक्षक है तो वह भी अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी सामग्री यानी अपने छात्र में क्या करता है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन या कहें अधिगम उसे करवाता है। तो अपने उद्देश्य के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेता है। तो हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो इसी तरह से एक कनिंघम है, उन्होंने कनिंघम महोदय ने यही स्पष्ट किया है कि किस यह पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करता है। ठीक इसी तरह से शिक्षक के हाथ में भी यह एक साधन के रूप में ही है जिसके द्वारा वह अपने छात्र को अपने विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार अपने उद्देश्यों के अनुसार वांछित रूप प्रदान कर देता है, वांछित रूप से परिवर्तन कर देता है, या जो वांछित रूप वह उसे प्रदान करना चाहता है उसे वह रूप या परिवर्तन दे देता है। तो इस तरह से वो तैयार कर देता है। इसी दृष्टि से जैसे जो बालक है, हम बालक को किस तरह का बनाना चाहते हैं उसी प्रकार का हम उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, और उसके माध्यम से शिक्षक उस विषय वस्तु के माध्यम से बालक को उसी प्रकार के ज्ञान के लिए तैयार करता है। तो इसी दृष्टि से जो पाठ्यक्रम है, अब हमने पाठ्यक्रम के अर्थ को भलीभांति स्पष्ट रूप से समझ लिया है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के अर्थ के बाद यदि हम पाठ्यक्रम की अवधारणा की बात करें तो अवधारणा में हमें पाठ्यक्रम के अर्थ को भी स्पष्ट करना होता है और उसकी परिभाषाओं को भी स्पष्ट करना होता है। एक हार्न महोदय हैं, इन्होंने भी पाठ्यक्रम को बताया है कि जैसे पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है और इसमें ज्ञानोपार्जन से संबंधित समस्त क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। इस पाठ्यक्रम कला, समाज तथा प्रकृति पर मानव की इच्छा शक्ति द्वारा परिवर्तनों को भी व्यक्त करता है। इसी तरह से और भी शिक्षाविद हैं जिन्होंने भी पाठ्यक्रम को स्पष्ट किया है, और भी जैसे जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने भी पाठ्यक्रम को स्पष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है। विद्यालय के संपूर्ण जीवन को ही उन्होंने जैसे पाठ्यक्रम माना है, स्वीकार किया है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। यहाँ सभी पक्ष से अर्थ, जैसे मैंने कई बार बताया है कि एक सर्वांगीण शब्द का भी हमने उपयोग लिया है, वहाँ कई सारे तरह के विकासों की हमने बात की है। तो यहाँ पक्ष जब सभी पक्षों को लेते हैं तो सभी पक्ष में भी वही सारे पक्ष आ जाते हैं कि किस तरह से बालक का शारीरिक पक्ष भी विकसित होना चाहिए, आध्यात्मिक पक्ष भी, नैतिक पक्ष भी उसका विकसित होना चाहिए, उसका चारित्रिक पक्ष भी विकसित होना चाहिए। इस दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा आयोग यही बता रहा है कि जैसे विद्यालय है उसका संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो कि विद्यार्थियों के संपूर्ण यानी सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में वह सहायता प्रदान कर सकता है। तो यह जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी एक तरह से विद्यार्थियों के सभी पक्षों को विकसित कर उनके व्यक्तित्व में पूर्ण विकास का आधार बताया है। इसी तरह से पाठ्यक्रम में उद्देश्य, लक्ष्य, विषय वस्तु, अनुदेशन नीतियाँ, शिक्षक की जो भी मार्गदर्शिकाएँ हैं,
शिक्षण की विधियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शिक्षण में सभी प्रकार से सहयोग करती हैं। पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को, बालकों को ठीक और भली भांति से प्रकार से, या कहें सरल से सरल ढंग से अधिक मात्रा में उन्हें सिखाने में जो सहायक होती है, इस तरह से फिर और उनको सीखने के बाद किस तरह से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को बालक कहाँ तक सीख पाए हैं, कितनी सीमा तक सीख पाए हैं, इसकी जांच करने के लिए भी मूल्यांकन प्रणाली भी इसमें समाहित होती है कि किस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाता है, या किस तरह की पाठ्य पुस्तकें उनके उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने के लिए अपेक्षित होती हैं, आवश्यक होती हैं, उनके किस तरह से, जैसे जो भी कई तरह के संदर्भ साहित्य हो सकते हैं जो उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने में सहायक होते हैं, इसी तरह से इसमें समस्त जो भी ये प्रक्रियाएं हैं इनको सम्मिलित किया है, जैसे उद्देश्य, लक्ष्य, जो शिक्षण की मार्गदर्शिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, आदर्श हैं, नीतियां हैं, सभी तरह से जो शिक्षण की समस्त विधियां हैं जो एक तरह से बालक के सभी पक्षों को प्रभावित करते हुए उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती हैं। इसमें और भी समस्त व्यवहारिक योग्यताएं हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है कि किस तरह से समस्त व्यवहारिक योग्यताएं हैं, कुशलताएं हैं जो भी पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक अर्जित कर पाता है, तो आदतें, निर्णयन की शक्तियां, व्यवहारिक कुशलताएं, व्यवहारिक योग्यताएं, ये सभी एक तरह से इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं, जो कि शैक्षिक स्तर पर या कहें कि आयु स्तर पर छात्र के व्यवहार में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती हैं और उनके इस परिवर्तन को इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अवलोकित भी किया जा सकता है। और हम बात करें कि जो वास्तव में पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, एक तरह से यह सामाजिक आवश्यकता भी है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम बालकों में अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं। समाज या राष्ट्र जैसे नागरिक बालकों को बनाना चाहता है, उसी प्रकार की शिक्षा बालकों को देने का प्रयास किया जाता है, और उस शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसी प्रकार के पाठ्यक्रम की तैयारी की जाती है। जो भी नए मूल्य हैं, युग की नई चेतना है, अभिमुख होने के लिए मानो अतिरिक्त जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसकी यथार्थवादिता पर अर्थात वास्तविकता पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से ऐसे विषय और कार्य और व्यवसायों का उसमें समावेश वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए या यथार्थवादिता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित भी हो और वास्तविक मांगों की पूर्ति भी करता हो, कि जैसे जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो मानव का जीवन है वह सरल से सरल ढंग से सफल रूप में संचालित हो सके, तो शिक्षा के उद्देश्य भी पाठ्यक्रम से जिससे पूर्ण हो रहे हैं, तो उस पाठ्यक्रम को यथार्थवादी वास्तविक होना चाहिए, जो कि बालक की या कहें कि आगे चलकर वह व्यक्ति बनता है, नागरिक बनता है समाज का, तो उसकी वास्तविक मांगों की पूर्ति करता हो जो कि उसके सामाजिक जीवन से संबंधित है। तो पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास में इस तरह से हमारी सहायता करता है और शिक्षक इस पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालकों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसी दृष्टि से हम ये जैसे पाठ्यक्रम के अर्थ को आज हमने भलीभांति समझ लिया है और पाठ्यक्रम की जो परिभाषाएं हैं उनको भी हम और पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ्यक्रम के अर्थ को आज व्यापक रूप से हमने समझ लिया है, जैसे कि मैं थोड़ा सा और ये और बता देती हूँ कि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम बालकों को एक नवीन गतिविधि भी प्रदान कर सकते हैं। किस तरह का हम उन्हें तैयार करना चाहते हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया है कि किस तरह से हम बालकों को तैयार करना चाहते हैं, समाज या राष्ट्र किस तरह के नागरिक चाहता है, किस तरह के नागरिक बनाना चाहता है, तो यह सब सारे परिवर्तन का आधार क्या है, केवल शिक्षा ही है, और इस शिक्षा के माध्यम से ही इस तरह का परिवर्तन अपेक्षित है या हो सकता है। तो इसी आधार पर शिक्षा में बार बार परिवर्तन या बदलाव किए जाते हैं, और यह परिवर्तन और बदलाव फिर किस पर आधारित हो जाते हैं, पाठ्यक्रम पर आधारित हो जाते हैं, और ये बदलाव और परिवर्तन पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके
विद्यार्थियों तक संप्रेषित होते हैं, विद्यार्थियों तक इस ज्ञान को पहुंचाया जाता है और उस ज्ञान को सीखते हुए बालक उसी प्रकार से तैयार होते हैं जिस तरह से समाज या राष्ट्र चाहता है। जैसे अब भी हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जैसे हमारी जो शिक्षा नीतियां हैं वो किस तरह से बार बार परिवर्तित होती रही हैं। अभी भी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो उसमें भी पाठ्यक्रम में या किसी तरह से शिक्षा नीतियों में क्या परिवर्तन किए गए हैं कि किस तरह से जो राष्ट्र है किस तरह की गुणवत्ता छात्रों में चाहता है, किस तरह से उसे यथार्थवादी बनाया जा रहा है, किस तरह से प्रायोगिक रूप से व्यवहारिक रूप से शिक्षा अपने उद्देश्य को पूरा करे। जैसे हमने बात की है कि सामाजिक जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम को यथार्थवादी होते हुए बालकों की जो वास्तविक मांग है उनको पूरा करना चाहिए, उसी दृष्टि से समय समय पर शिक्षा नीति में भी बदलाव होते रहते हैं जिससे कि पाठ्यक्रम भी प्रभावित होता है। तो इस दृष्टि से आज हमने पाठ्यक्रम के अर्थ को समझ लिया है, अब इसकी परिभाषाओं को हम कल पढ़ेंगे।